अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे से होंगे। मैं पिंक ब्यूटी से यहाँ पर मैं आप लोगों की हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस को शेयर करती हूँ, जो कि काफ़ी बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ काफ़ी इफेक्टिव होती है। एक पुरानी वीडियो जिस पे आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए और आज भी आते हैं कि आप ही इसमें ये ऐड कर सकते हैं क्या, आप ही उसमें वो ऐड कर सकते हैं क्या, आप ही ऑयली स्किन के लिए क्या ठीक है, और आप ही ये बताएं क्या झाइयों वाले लोग लगा सकते हैं, आप ही ये इससे झाइयाँ चली जाएंगी, आप ही इससे ये बताइए कि क्या जिनके मुहासे हैं वो चले जाएंगे क्या, या जिनके मुहासे हैं वो लगा सकते हैं क्या। मैंने उसमें क्लियर सब कुछ बताया है, लेकिन बहुत लोगों को डाउट था तो मैंने दोबारा सोचा कि बताना बेहतर है। तो आज इस वीडियो में मैं उसके मुताबिक सारी चीज़ें शेयर करूँगी, सारी चीज़ें खुलकर बताऊँगी। हर मौसम में आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं बिना किसी झंझट के, आप इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगी और उस वीडियो का भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, जिससे कि आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट लगेगा वो है ये आपका ग्लिसरीन। ग्लिसरीन किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाता है, केमिस्ट के यहाँ मिल जाएगा या फिर आपके पंसारी के यहाँ भी मिल जाता है, बहुत ही सस्ता होता है ये। आप पूरा जाड़ा गर्मी बरसात हर मौसम में यूज़ कर सकते हैं। वीडियो की रेमेडी बताते बताते मैं ही सारी चीज़ों के बारे में आपको बताती जाऊंगी, आपके जितने भी डाउट्स थे वो भी क्लियर करती जाऊंगी। ये है ग्लिसरीन, ये ऑयली स्किन वाले भी लगा सकते हैं, ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, और जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है तो वो पहले पैच टेस्ट कर लें तब लगाएं, और जिनकी मिली जुली कॉम्बिनेशन वाली स्किन होती है उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्दी होता है प्रोडक्ट। ये आयुर्वेदिक होता है, प्योर होता है, ये आप लगा सकते हैं और पूरी बॉडी पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात, इससे आप मसाज भी कर सकते हैं, और जिनके एक्ने निकलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको इसको यूज़ करते वक्त ध्यान रखना है कि आपको मुहासों वाली जगह पर इसको नहीं लगाना है, बाकी अदरवाइज़ आप जितने भी एरिया पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे मुहासे नहीं निकलते हैं, इससे मुहासे ठीक होते हैं, तो आप इसको बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जिनकी ऑयली स्किन है वो थोड़ा सा ग्लिसरीन को कम डालेंगे, बिकॉज उनकी ऑलरेडी ऑयली स्किन है, ऑयल निकलता है तो थोड़ा सा चिपचिपी स्किन हो सकती है उनकी, तो हमें इसको भर कर लेना है ये एक चम्मच। आपकी बॉडी में ये मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, यहाँ तक कि आपकी नमी बनी रहती है, ये मॉइस्चर को लॉक करने का काम करती है। ग्लिसरीन आप बच्चों को भी लगा सकते हैं, आप अपने स्कैल्प में भी मसाज करते हैं, इसके अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। मैं इसकी अलहदा वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों तक लाऊँगी, बस अपना आप सपोर्ट बनाए रखें। तो मेरी स्किन चूँकि ऑयली है इसलिए मैंने एक चम्मच लिया है, अगर आपकी ड्राई है तो आपको लेना है इसमें दो चम्मच ग्लिसरीन, ठीक है। जो इंग्रेडिएंट आता है उस वो है ये आपका रोज़ वाटर, आप टोनर की तरह यूज़ कर सकते हैं, और इस रेमेडी में मिलकर ये सोने पे सुहागा वाला काम करता है। ये सब कॉज जब आप इसको अपनी स्किन पर ऐसे यूज़ करते हैं तो ये टोनर का काम करता है, ये एक मॉइस्चराइज़र भी है। अच्छा, ये आपकी स्किन की बर्निंग को रोकता है, आपकी स्किन को अंदर से डीपली पैम्पर करता है, मॉइस्चराइज करता है। ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखता है, इसलिए मुझे लेना है ये दो चम्मच। आपके एक्ने निकलते हैं, आपकी स्किन पर झाइयाँ हैं, अगर आपके पोर्स खुले हुए हैं तो आपको रोज़ वाटर का यूज़ करना ही करना है हर हालत में। इससे आपके पोर्स जितने भी होते हैं वो क्लॉग होते हैं, गंदगी डर्ट वगैरह सब साफ होती है। गुलाब जल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिससे आपकी स्किन बहुत टाइट होती है। अगर आपका बुढ़ापा आने लग गया है, यानी कि स्किन बहुत सैगिंग वाली हो गई है, आपकी स्किन लटकने लगी है, लूज़ होने लग गई है, तो आपको ये बहुत ही अच्छा मिक्सचर मिलने वाला है। इस रेमेडी के थ्रू आप एरिया फट रही हैं उन पर लगा सकते हैं आप। इसके साथ ही आप अपने चेहरे की मसाज भी कर सकते हैं, ओवरनाइट रख सकते हैं आप इसको। लेमन में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, विटामिन सी भरा होता है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अमेजिंग होता है, बहुत फ़ायदे होते हैं इसके। ये नेचुरल फॉर्म में अगर आप विटामिन सी यूज़ करते हैं अपनी स्किन के लिए तो आपकी रंगत को निखारने के साथ साथ आपके एक्ने वगैरह को ये ट्रीट करता है, साथ ही ये आपको डीपली नरिश करता है, आपकी जितनी भी डेड सेल्स होती हैं उनको भी ये रिमूव करने का काम करता है। लेमन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिससे आपका रंग जो है साफ़ होने लगता है, आपको गोरा निखार भी मिलता है। लोगों को इससे एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, तो जिनको ये एलर्जी देता है, जिनके रैशेस वगैरह आते हैं, तो वो इसको कम करेंगे, बहुत ज़्यादा
जिनको तकलीफ़ होती है, जिनकी स्किन रेड हो जाती है, तो वो स्किप करेंगे, उनको लेमन नहीं डालना है किसी भी हाल पे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए ये लेमन बहुत ही मुफीद है। जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनको लेमन से थोड़ा इशू हो सकता है, तो आपको जब भी इसको यूज़ करना है तो एक बार पैच टेस्ट ज़रूर से कीजिए। डार्क स्पॉट पर ये वर्क करता है, झाइयों वाली स्किन पर भी ये वर्क करता है। कि भरकर एक चम्मच है इसके बीजों को लाहिदा कर देंगे हम। हो गया है दूसरा चम्मच। ऑयली स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, जिनके दाग धब्बे हैं, जिनके पिंपल्स हैं, वो सारे लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। कि हाथ पैर अगर काले पड़ रहे हैं तो इसको आप लगा सकते हैं, आपकी पूरी बॉडी पे ये मसाज कर सकते हैं। जिनकी एज बढ़ रही है तो वो रात में इसको एज अ मसाज क्रीम की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब ग्लिसरीन है, ये आपकी मसाजिंग प्रोसेस को पूरा करेगा, क्योंकि ये जो होती है ना ग्लिसरीन, आपकी हेल्दी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज का प्रोसेस ये धीमा कर देती है ग्लिसरीन, इसलिए ग्लिसरीन को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ग्लिसरीन का यूज़ आपकी स्किन को टाइट करता है, ब्राइट करता है। लेमन आपकी स्किन को, आपके जो खुले रोम छिद्र हैं या फिर जिसको हम ओपन पोर्स कहते हैं, जो हमारे चेहरे पर बड़े बड़े मसाज हो जाते हैं, तो उनको ये बंद करने का काम भी करेगा, क्योंकि इसमें रोज़ वाटर है, रोज सनस्क्रीन का भी काम करेगा। अगर आपको मेकअप करना है और उसके पहले अगर आपने ये यूज़ कर लिया, तो आपका मेकअप का बेस भी बहुत अच्छा बनेगा। आप ट्राई करके देखिएगा एक बार। ये नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, आप किसी भी तरह से इसको लगा सकते हैं डीपली, यहाँ तक कि आपकी गर्दन अगर काली है तो उस पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। घर में खाली पड़ी बोतल है उसको आप साफ़ करें और इस मिक्सचर को इसमें डाल लें। बस इसको आप स्प्रे करें, रूई की मदद से लगाएं, या फिर आपके हाथ को साफ करके आप एवे भी लगा सकते हैं। आपकी स्किन को न्यूट्रिशन मिलेगा, बाहर से जो प्रोटेक्ट करेगा ना वो अमेजिंग होगा, वो आपको रिजल्ट खुद ही मिलेगा, कोई चिपचिपाहट नहीं होगी। और इसको बस जब भी लगाना हो हल्के से आपको ऐसे करना है। आती हूँ, ये आपने किया और ये बिल्कुल पानी की तरह है और आपकी स्किन पे फौरन ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके इतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है, और आपकी स्किन वैसे ही नरिश हो जाएगी जैसे पार्लर से आने के बाद ग्लोइंग हो जाती है। स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाएगा, आपकी स्किन शाइन करने लगेगी। तो जी, दोबारा से मैंने आप लोगों के साथ वही रेमेडी शेयर कर दी है। ये परफेक्ट है, पूरी तरह से सेफ है और बिल्कुल सस्ता प्रोडक्ट है। ये अभी भी अगर कोई डाउट्स है तो बेझिझक आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही ओपन है। तो देखा जी ये कितनी आसानी से बन जाता है, हर मौसम में तीनों चीज़ें अवेलेबल है और हर मौसम में आप बना सकते हैं। मौसम चेंज हो, कुछ भी हो, आप इसे आसानी से बना सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी में इसको स्टोर करना है और आप नहीं बना पा रहे हैं, तो आप इसको जो है फ्रीज़र में जमा भी सकते हैं आइस क्यूब की तरह, और निकाल कर आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको आप आइस क्यूब की तरह बनाकर अपने चेहरे पर फेशियल मसाज भी कर सकते हैं। तो इसके इतने सारे बेनिफिट्स और इतना सस्ता प्रोडक्ट अगर आपने नहीं बनाया तो ये बेवकूफ़ी होगी बिल्कुल, क्योंकि बाहर की जो क्रीमें होती हैं वो सिर्फ केमिकल बेस्ड होती हैं, और केमिकल का क्या असर होता है आपकी स्किन पर वो आप सबको पता है। और कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ आपको सपोर्ट चाहिए प्यारा सा, और एक लाइक कर दीजिएगा अगर इतनी मेहनत के बाद आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। तो आई होप के सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे इसी वीडियो में, और मैं चाहती हूँ कि जितना प्यार आप लोगों ने उस वीडियो को दिया है इसको भी दीजिए। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।